बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज किस वीडियो देखने वाले हैं जो है 8 तारीख को जिन छात्रों का पेपर है 8 जुलाई 2022 को पेपर है एमजीपी अरुणखंड यूनिवर्सिटी बरीवाल के। मैं आपको कह रहा हूँ पेपर लीक हो गया, 70% प्लस यहाँ से देखने को मिलेगा। मात्र 10 से 11 क्वेश्चन पढ़ लो। दो दिन पहले मैं आपको दो जो 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट देता हूँ वही आपको सामने आ रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। गजब तरीके से भाई यही पढ़ना है, समझ लो मेरी बात को, क्योंकि आपको अब 2022 का टॉपर बनना है। मजाक नहीं चल रहा है, और आपको से एक वादा करना होगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जो भी पेपर हो रहा है सारे के सारे क्वेश्चन जो दे रहा हूं भाई फंस रहे हैं, आप सभी को पता है। और ये है देखो बीए सेकंड ईयर वालों के लिए होम साइंस का फर्स्ट पेपर है। आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया। आप देख सकते हैं यहां बिल्कुल फंडामेंटल्स के बारे में पूछा गया है, जो फूड है न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं वो कहां से कैसे कैसे मिलते हैं उनके बारे में आपको बताना है। सिंपल तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूंगा कैसे पढ़ना होगा, कैसे क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, और सारे के सारे पेपर में छप रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ रहा है। देखिए मैंने आपको दो पॉइंट रखे थे, मैंने कहा 3 से 4 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी 3 से 4 महीने पहले, जिसमें मैंने आपको 17 से 18 क्वेश्चन दिए थे। यदि आप उन सबको पढ़ लेते हैं तो 85% प्लस पक्का मिलेगा वहां से देखने के लिए। और मैंने कहा कि दो दिन पहले आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 10 से 11 क्वेश्चन, जिससे आप पढ़कर 70% ला सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप 70% लाना चाहते हैं फिर 85% प्लस, ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन कर लीजिए। यदि आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका नाम है paperhacker.in। paperhacker.in हमारी वेबसाइट का लिंक है, नाम है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर टिक लगा सकते हैं। पहला है पोषण, पोषण का अर्थ क्या होता है। और हाँ, आप मुझसे एक वादा करिए, आप जो भी फीमेल हो या फिर मेल हो, आप सभी मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे दिल से ये मानता हूँ आप मेरे दोस्त हैं, और आपको मुझसे एक दोस्ती के नाते, एक अच्छा एक सच्चा दोस्त के नाते मुझसे आपको वादा करना होगा। और वादे में सिर्फ कुछ और नहीं चाह रहा मैं, आपसे गिफ्ट नहीं चाह रहा कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट है, तो बस इतना सा काम कर दो। ये सब कुछ कर सकता है, मतलब हर एक छात्र के अंदर ये इतनी पावर होती है, और हर एक मेरे दोस्त के अंदर ये पावर है, वो ये सब कुछ कर सकता है। तो मुझसे एक वादा करिए, मेरे हाथ पे हाथ रख कर वादा करिए, ठीक है ना, फील हो सकता है, मेरे हाथ पर हाथ रखकर वादा करिए कि आप जैसे ही क्लास में अपने जाएंगे, क्लास में जाएंगे और जितने भी आपके आसपास के स्टूडेंट हैं उन सभी को पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे, ये सभी को बताएंगे पेपर हैकर। आप यहाँ बीच में बैठे हैं तो आपको सबको बता रहा है कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ के आया करो, बहन सिस्टर भाई जो भी हैं आपके आसपास में जो भी बैठे हैं उनको सबको बताना है। और उन सबसे भी कहना है कि आप भी जितने भी आसपास सभी छात्र हैं उनको बता दो पेपर हैकर यूट्यूबर, जो बताता है वही पेपर में आता है, जो बताता है वही पेपर में आता है, बस इनके अलावा कुछ और मत पढ़ो, किसी और चैनल से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस इनके चैनल से ही पढ़ो। पेपर हैकर नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, MCQs क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी PDF आपको मिल जाती है paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, वो भी बिल्कुल फ्री में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो फ्री में मिल जाएगी, आप अपने खुद बनाना चाहते हो PDF को तो बाय करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन आपको दी गई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जी, समझ रहे ना। चलो, आपसे मुझसे वादा किया है, उस वादे को जरूर निभाना और खरा उतरना है आप सभी को, ठीक है। क्या करना है, खरा उतरना है आप सभी को, आपके भाई बहन जो भी फैमिली में मेंबर है सबको बता दो पेपर हैकर, पेपर हैकर, पेपर हैकर, पेपर हैकर, पेपर हैकर, हर जगह पेपर हैकर नजर आना चाहिए। आपके क्लास टीचर है, टीचर है, जितने भी आप जैसे भी पढ़ते हैं सबको बताओ, सर पेपर हैकर के बारे में जानते हो क्या, कौन कहेगा कौन पेपर हैकर, पेपर हैकर, समझ रहे ना। तो ये चीज बताना है आपको, ब्रांड बनाना है एक बहुत बड़ी वाली, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, शर्माना नहीं है इस चीज में, हमें शर्माना नहीं है, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और आपको ये वादा करना होगा, और आप मुझसे वादा कर चुके हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप फेसबुक सब पर शेयर करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जैसे भी होंगे पेपर हैकर के बारे में गाइड करेंगे। सबसे पहले आप अपने नोट्स को ओपन करेंगे और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये है देखो पोषण, पोषण का अर्थ क्या होता है। पहला, पोषण की परिभाषा, बिल्कुल सही है, भोजन के कार्य क्या होते हैं, और कुपोषण तो जानते ही हैं, पर यार ये भोजन का पोषण कैसा है, परिभाषा है पोषण, पोषण की परिभाषा आप जानते ही हैं। यह खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा और कैलोरी की परिभाषा के बारे में आप याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार प्रभावित करने वाले कारक, देखो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और संतुलित आहार होता क्या है ये पूछेगा आपसे, और उसको कारक को कौन मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन बॉक्स में बंद कर रहा हूँ भाई पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये है भोजन के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, ठीक है,
ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं, शोषण कैसे होता है, इनकी कमी से क्या क्या हो जाता है, स्रोत कैसे होगा, तत्व का, इनके बारे में आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाचन अंग, पाचन विधि, मतलब मनुष्य के अंदर पाचन कैसे होता है, बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चुटकी बता दोगे। कौन कौन से अंग है यार आप बताओ, मुंह, मुंह, मुंह के बाद ग्रासनी, फिर स्टोमच, फिर स्मॉल स्टेंटेस, फिर बड़ी आंत, फिर इसमें निकल गया लो खाना खत्म, ये हो गया बड़ी आंत, ये हो गया पूरा, समझ रहे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कुछ आपको याद करनी होगी। उसके बाद में क्या है, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ देखिए दूध व दूध के उत्पादन से क्या क्या, मतलब दूध से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, दही पनीर वगैरह, उसके बारे में आपको याद कर लेना है। यह है कुपोष, देखो कुछ कह सकते हैं किशोर अवस्था में संतुलन आहार देना क्यों आवश्यक है, किशोर अवस्था जो होती है उसमें संतुलन आहार देना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में आपको बता देना है। यहाँ कह रहा है गर्भवती अवस्था, जो गर्भवती अवस्था में कोई महिला है, ठीक है, तो पोषक तत्व आवश्यक क्यों होते हैं, मतलब गर्भ अवस्था में जो पोषक जो तत्व होते हैं या फिर कह सकते हैं पोषात्मक आवश्यक क्यों होती है, एक दिन में कितना आहार नियोजन, मतलब कि एक गर्भवती महिला को एक दिन में कितना आहार देना चाहिए, ठीक है, संतुलन आहार कितना देना चाहिए, वो आपको एक टाइम टेबल के द्वारा पूछता है, वो याद रखना है। भोजन के बनाने की विधि कौन कौन सी होती है वो आपको देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में एक तालिका बनाने के लिए पूछता है, आहार तालिका, जो मतलब कि जो मतलब एक दिन में कितना खाना चाहिए, वो दैनिक आहार या फिर दालक तरीका, उसके बारे में आपसे पूछता है। उसके बाद में आता है, इसके बारे में आपको देखना है भोज पदार्थों का मिलावट, ठीक है, और उनकी जांच आप कैसे करेंगे, मतलब भोजन में कुछ मिला हुआ है तो आप उसकी जांच कैसे करने वाली हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ कह रहा है शरीर से ऊर्जा अनुसार छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी छोड़ देना है, ये है प्रभावित आहरी मात्रा, इसको छोड़ देना है। जल ये कह रहा है वर्षा के जल की विशेषता क्या होती है, वर्षा के जल की विशेषता को आपको याद कर लेना है। और ये है देखो, ये बोला गया है किशोर बालिका के लिए पोषण क्या है, ये आपको देखना है। और यह भाप के दबाव द्वारा पकाने का सिद्धांत क्या होता है, किस पर किस तरीके से भोजन पकता है, ये आपको याद करके जाना है। प्रेशर कुकर क्या होता है, और गर्भावस्था के दौरान पोषण वर्णन, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जो पोषण की तालिका सहित आपको पूछने को मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ लेना। 2022 के एग्जाम में यही छप रहा है, 70% प्लस आपको देखने को मिलेगा। 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो, आपको कोई मतलब के ऐसे कह सकते हैं ना कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, समझ रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। तो आपको पेपर हैकर पर जो आपने जो वादा किया है ना स्टार्टिंग में, उस वादे को निभाइए और शेयर करिए इस वीडियो को, और कॉलेज में जाते ही पेपर हैकर के बारे में सब छात्रों को बताइए। थैंक यू, सो लव यू, बाय बाय।